हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गोल्डन इंडिया जीके क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीआरपीएफ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों का पार्ट फोर्थ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो इसका ऑप्शन है 28 अप्रैल 1946, बी 22 अप्रैल 1947, सी 11 अप्रैल 1998, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल 1947। जी हाँ दोस्तों, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 21 अप्रैल, बी 11 फरवरी, सी 14 जनवरी, और डी 11 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी नागालैंड, और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य ने की है। और आंध्र प्रदेश की राजधानियां कौन कौन सी हैं? पहली हैदराबाद, दूसरी अमरावती, तीसरी विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंदन। और नोट के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात आती है तो आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी तीन राजधानियां हैं, और आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंदन। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जनगणमन राष्ट्रीय गान घोषित कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, जनगणमन राष्ट्रीय गान घोषित 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 26 जनवरी, बी 19 जनवरी, सी 21 अक्टूबर, और डी 13 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 जनवरी। यस, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। और जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज है उनका हमने अलग से पार्ट बना रखा है, तो उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कीमोथेरेपी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए मेंडल, बी मार्स, सी जोसेफ लिस्टर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर। यस, कीमोथेरेपी का पिता जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया है? तो इसका ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, और डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। जी हां दोस्तों, देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई है, और आंध्र प्रदेश के बारे में मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए 1866, बी 1961, सी 1734, और डी 1844। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1961। यस, मिड डे मील की शुरुआत स्कूलों में 1961 में की गई थी, और मिड डे मील के अंतर्गत 300 किलो कैलोरी एनर्जी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्रदान की जाती है। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरिया का साइज का मात्रक क्या है? तो इसका ऑप्शन ए माइक्रोन, बी डेसीलीटर, सी लेमडा, और डी क्यूबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रोन।
यस, बैक्टीरिया साइज का मात्रक कौन सा है? माइक्रोन। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूक्ष्मदर्शी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर, बी मेंडल, सी मार्स और डी एंटोनी वन ल्यूएनहॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, एंटोनी वन ल्यूएनहॉक को सूक्ष्मदर्शी का पिता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।